मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम हवाली से निकल रहे हैं जबले की तरफ। ये हमारा क्रू है हमला। हाँ जी बिल्कुल। ये हरम की तोसी की वजह से इस वक्त हम गलियां घूम रहे हैं क्योंकि रोड काफ़ी उन्होंने ब्लॉक की हुई है। और ये सामने आपके बिल्कुल तहरीक कुर्बान, ये अब रश देखें बहुत ज़्यादा क्योंकि अब हरम के करीब पहुंचने वाले हैं और लोग ज़्यादातर अफ्तारी के लिए हरम में जा रहे हैं। ये बिल्कुल ये कुबा रोड भी कहते हैं इसको, पुराना रोड यानी बिलाल मस्जिद जाके निकलती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी भी हम उधर ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उधर ही जाएंगे। ये भी सीधा कुबा मस्जिद को रोड जाता है, इसके राइट पे एक रोड है वो भी सीधा कुबा को जाता है, इसके लेफ्ट का जो ओरिजिनल रोड है। उनके नाम क्या है सर? एक तरीके कुबा है, एक तरीके कुर्बान है और एक हवाली। एक तरीके हवाली है क्या? हवाली एन से शुरू होती है, लेकिन ये नॉर्मली हम पाकिस्तानी उसको हवाली कहते हैं। हवाली कहते हैं। साइड पे आपको एक फिश मार्केट है, वो है सूखल तबाखा। बिल्कुल सूख समक है जी, सूख समक। ये जो सड़क है ये मदीना मुनव्वरा का एक तरह का हाल रोड भी है। हाल रोड भी है, फोर स्ट्रीट भी कह सकते हैं इसको, भी हाल रोड भी कह सकते हैं आप इसको। इधर फूड स्ट्रीट भी दो आती है, आपने बताया कि वो मछली मार्केट है और एक सूख अल तबाखा है। ये राइट साइड पे आपकी बिलाल मस्जिद, बिलाल मस्जिद हमारे राइट साइड पे आ गई है, उसके करीब आ गई है। सामने आपके जो होटल नजर आ रही है मरकजिया के इलाके में है, जो विद इन द रिंग रोड का इलाका है वो मरकजिया का है मदीना मुनव्वरा में। इसके अंदर होटल जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, कुबा मस्जिद की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपर। और यहाँ दूर कैमरा क्योंकि GoPro फोकस नहीं करता, तो इसी सड़क पे अगर हम थोड़ी देर आगे जाएं तो मस्जिद गुमामा और मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अली, मस्जिद अली अस्सलाम स्ट्रीट पे बिल्कुल एक बिल्डिंग क्रॉस करके साथ में जो उधर है, और साथ ही जो पुराना 6 नंबर गेट मस्जिद नबवी शरीफ का था वो आ जाता है। सामने ये कुबरी है जो ये कुछ दिन की मेहमान है ये। अच्छा ये भी अच्छा बिल्कुल, और ये मदीना की पहली कुबरी है। अच्छा हाँ जी। ये मदीना मुनव्वरा में बड़ा अच्छा रिवाज है कि जो पैदल क्रॉस करने वाले सड़क पे हैं लोग उन्हें रास्ता देने में के लिए गाड़ियां रुकती हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि यहाँ कानून भी बना हुआ है, कानून है बिल्कुल। अगर हाजी को अगर गाड़ी टच भी कर दे, मतलब टच करने से मरा दे कि थोड़ा सा उसका नुकसान भी पहुँचे, ठीक ठाक जुर्माना या मुखालफा पड़ जाता है और लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। लाइसेंस कैंसिल हो सकता है बिल्कुल। और ये राइट साइड पे आपके मस्जिद हजरत उस्मान गनी जुलनारायण भी मस्जिद इसको बोलते हैं, मस्जिद जुलनारायण उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे राइट साइड पे। ये मुसलसल बंद ही देखी है जी, बिल्कुल बंद है, अभी खुली नहीं होती। अब ये हरम का 6 नंबर गेट के सामने जो पार्ट अंडरपास है उसके अंदर से हम नीचे जा रहे हैं और ऊपर आपको मस्जिद गुमामा और पीछे मस्जिद अली जो अब रेनोवेटेड हालत में है वो नज़र आई। यहाँ पे हम 2017 में हम 18 में भी रहे हैं, 2017, 18, 18 और 19 में भी इधर ही खजूर मार्केट थी वो अब ख़त्म कर दी गई है। ये अंडर पाथ है हमारे बिल्कुल ऊपर मस्जिद नबवी है सारी। ये अब हम निकल रहे हैं तरीक मलक फैज, तरीक सुल्तान, तरीक सैयद शोदा पे जाएंगे हमने, तरीक उस्मान बिन अफान पे। हमें ये आपस में अंडर पाथ कनेक्टेड है, ये एक यूनिक इनका स्टाइल है, ये अंडर पाथ दर अंडर पाथ बने हुए हैं, एक अंडर पाथ में से दूसरे को रास्ता जा रहा है। काम देखे रश कर दी बच्चों, इस पर भी मुखालफा वैसे होता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कानून सब के लिए बराबर है, सब के लिए बराबर है। यहाँ पे अंडरपास क्रॉस किया और हम जनाब, और ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये हुजूर पाकसलम जब जंग उहद के लिए गए तो इस रास्ते से गुजर के गए थे, इसीलिए इसको तरीके शोदा भी बोलते हैं। तरीके शोदा भी, और यहीं पे इसी सड़क के ऊपर फूड मास्टर रेस्टोरेंट है जी बिल्कुल, इसी ये इस सड़क के ऊपर मदीना मुनव्वरा के मशहूर तरीन होटल है, जैसे आप इसको फूड स्ट्रीट भी बोल सकते हैं, फूड स्ट्रीट भी बिल्कुल बोल सकते हैं। ये लेफ्ट साइड भी आप देखें तो कुल तो तकरीबन ये देखें कि निराला तैयबा, फोर्थ स्ट्रीट और उसके बाद मेराज और ज़ियाफ़त, मतआम अज़्ज़ायका, तकरीबन बहुत ज़्यादा यहाँ पर सारे ही यहीं पर मौजूद हैं बिल्कुल। और सबसे जो बेस्ट होटल है यहाँ पर मदीना की जहाँ पास ज़्यादा रश होता है वो तबाक होटल है, वो सिर्फ थोड़ा सा आगे है 1 किलोमीटर आगे यहाँ पर। और इसी रस्ते भी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक मस्जिद नज़र आएगी, मस्जिद दुर्रा, मस्जिद दुर्रा जी, उर्दू में आनी लिबास को हम ज़रा बोलते हैं और अरबी में उसको दुरा बोलते हैं, ठीक है। तो जब हुज़ूर पाकसलम जब इस और से जंग उहद की तरफ जा रहे थे तो उस मस्जिद के अंदर जाके उन्होंने नफल अदा किए और फिर वो आनी लिबास पहना जंग के लिए। हर जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है उस पर इन्होंने मस्जिद बना दी हुई है ताकि वहाँ पर लोग आए, ना सिर्फ उसको विजिट करें बल्कि वहाँ पर
और ये जो आप सामने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड पे आपको मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद दुर्रा। ये सामने आपको दो मीनार नजर आ रहे हैं दरख्तों के पीछे, तो थोड़ा सा स्लो करके आपको वहाँ पर दिखा देते हैं। लेफ्ट पे है ना? जी लेफ्ट पे है। नहीं, गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा हल्का सा इशारा देते हैं। ये सामने तो ये दो गुंबद। जी बिल्कुल, ये देखें जी मस्जिद, ये सामने इस, ये मस्जिद दौरा है जी। इस जगह पर हजरत ने दो नवाफिल अदा किए और आनी लिबास पहना और जंग के लिए निकले थे। वैसे ये नवाफिल के लिए वो टाइम ना पड़ना, इस नवाफिल अदा करके जाते हैं। ये मस्जिद के बारे में इतना फरमा, ये मस्जिद इस तरह है इसका नाम है। और इस जगह पर हजरत जब वापसी पे आते तो इस जगह पे आकर वो क्या आराम कर लेते। मस्जिद इस तरह इसका नाम, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा, क्यों तो सारी महबूब तरीन जगह थी लेकिन मदीना मुनव्वरा में सबसे महबूब जगह जब ले उहद। अहदीस की रोशनी में अगर हम बात करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और जगह के बारे में ऐसा नहीं फरमाया। इसके बारे में फरमाया कि जन्नती पहाड़ है, ये वो पहाड़ है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है, या हम मोहब्बत करते हैं या हमसे मोहब्बत करता है। और ये जबले उहद जन्नत के दरवाजे पे होगा, और जबले उहद जो है जन्नत के दरवाजे पे पहाड़ है। जबले उहद के दामन में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा और दीगर शहदाए उहद की, उनके हमशक्ल सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर, जिनमें उनके हमशक्ल सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर भी शामिल हैं, उनकी भी कब्र मुबारक। और ये सामने आपके बिल्कुल उहद पहाड़ सारा सारा आपको नजर आ रहा है, ये पैनोरामिक व्यू पूरा पूरा जो आपकी 50% लोगों को नहीं पता उहद पहाड़ कौन सा है। वो जो जबले रम है उसको बहुत पहाड़ समझते हैं। ये आपके लेफ्ट साइड पे है जहाँ पर तीरंदाज खड़े हुए थे, तो वो ये समझते हैं कि ये वाला वो पहाड़ है, लेकिन बेसिकली उहद पहाड़ 24 किलोमीटर राउंड अबाउट है उसकी लेंथ है। 24 किलोमीटर है राउंड अबाउट उसका। खातम अल-मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूल आमी खातम अल-मुरसली।